नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ट्रेन में एक साथ हजारों यात्री सफर करते हैं, ऐसे में रेलवे ने ड्राइवर के सो जाने से कोई बड़ा हादसा ना हो इसके लिए एक तरकीब निकाली है। ट्रेन में ड्राइवर के अलावा एक असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है। अगर एक ड्राइवर सो जाता है या फिर कोई अन्य दिक्कत होती है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाता है। कोई गंभीर परेशानी होने की स्थिति में अगले स्टेशन पर इसकी सूचना दी जाती है और ट्रेन को रोका जाता है। इसके बाद स्टेशन से ट्रेन में नया ड्राइवर दिया जाता है। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर दोनों ड्राइवर सो जाए तो फिर क्या होगा। दरअसल ऐसा होने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन फिर भी रेलवे ने इसके लिए ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाया है। ट्रेन के इंजन में लगा ये डिवाइस ये ध्यान रखता है कि अगर ड्राइवर ने एक मिनट तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की हो तो 17 सेकंड के अंदर एक ऑडियो विजुअल इंडिकेशन आता है। ड्राइवर को इसे बटन दबाकर स्वीकार करना होता है। अगर ड्राइवर इस इंडिकेशन का जवाब नहीं देता तो 17 सेकंड बाद ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, यानी ट्रेन खुद से रुक जाती है। ड्राइवर को ट्रेन चलाने के समय बार बार स्पीड को कम ज्यादा और हॉर्न को बजाना होता है, यानी ड्राइवर ड्यूटी के वक्त पूरी तरह एक्टिव रहता है। अगर वो एक मिनट तक कोई रिस्पांस नहीं करता है तो रेलवे ऑडियो विजुअल इंडिकेशन भेजता है। ड्राइवर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर 1 किलोमीटर की दूरी पर ही ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन के अंदर मौजूद अन्य रेल कर्मचारी मामले का संज्ञान लेते हैं। इस तरीके से रेलवे बड़े बड़े हादसों को होने से रोक लेता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।